हेलो बच्चों, मैं पीएस कुशवाहा अभिलाषा क्लासेस में मैथ्स ट्यूटर। और आज मैं ये बताना चाहता हूँ या इस बात पर अपन डिस्कस करेंगे कि क्लास 10th का मैथ्स पढ़ना क्यों जरूरी है। अक्सर जिन बच्चों को मैथ्स से हेजिटेशन है या जो बच्चे मैथ्स में थोड़ा बहुत डरते हैं, उनको क्या लगता है कि आप मैथ्स नहीं पढ़ेंगे तो भी तो कैरियर बन जाएगा। क्या कैरियर नहीं बनता? क्या सचिन तेंदुलकर का कैरियर नहीं बना? कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैथ्स नहीं भी पढ़ा, उसके बाद भी उनका कैरियर बना। बात में एकदम दम है। और आप बोलो सच ना बोलो, ये कैसे हो सकता है? आपके विचार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं अपने विचार आपको देख रहा हूं, उनको जरा समझना कि उनका क्या मतलब है और उनसे क्या लेना देना है। भाई 10th के बाद अमूमन 99.99% क्या होता है, हम 11th में जाते हैं। 11th में हम क्या करते हैं, कोई स्ट्रीम लेते हैं। और स्ट्रीम आजकल चार तरीके की हैं, मैथ्स, कॉमर्स, बायो और ह्यूमैनिटीज। लेकिन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके हिसाब से आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट चुनने का भी तो एक बेस होता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप जॉब करना चाहते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप स्पोर्ट में जाना चाहते हैं, आप आर्ट कल्चर में जाना चाहते हैं, आप ड्रामा में जाना चाहते हैं, अकॉर्डिंगली ही तो आप सब्जेक्ट चुनेंगे। लेकिन उन सभी सब्जेक्ट का चुनने का जो तरीका और उनके पीछे जो छुपा हुआ एम जो रहता है, उस पर अपन एक-एक लॉजिकल, साइंटिफिक और एक-एक बात जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है आज बात करते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, या तो आप कॉमर्स लेंगे या कॉमर्स की स्ट्रीम को चुनने की कोशिश करेंगे। उन्हीं सब्जेक्ट्स को कॉमर्स लेने के बाद उनके पीछे आपका क्या होगा, या आप सीए बनना चाहेंगे, या आप बैंकर बनना चाहेंगे, या आप किसी भी कंपनी का मैनेजर बनना चाहेंगे। बायोलॉजी लेने से आपको पता है कि बायोलॉजी में क्या क्या होगा, या आप डॉक्टर बनना चाहेंगे, या आप पैथोलॉजिस्ट बनना चाहेंगे, या उससे जुड़े हुए जो भी कोर्सेज हैं या उससे जुड़े हुए जितने करियर हैं उन पर आप जाना चाहेंगे। मैथ्स लेने से, मैथमेटिक्स लेने से आपको पता है कि या तो आप इंजीनियर बनेंगे या आप बैंकिंग में भी जा सकते हैं। सारे काम जो कॉमर्स वाले करते हैं लगभग वो काम आप कर सकते हैं। ठीक, मैथमेटिक्स लोगों को कठिन भी लगता है। इसमें करियर ऑप्शन एज कंपेयर टू अदर सारे ज्यादा होते हैं। मतलब जो ह्यूमैनिटीज से कर सकते हैं वो भी मैथ्स से कर सकते हैं, जो कॉमर्स से कर सकते हैं वो भी मैथ्स से कर सकते हैं। फिर ह्यूमैनिटीज ये भी बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है। इसमें आर्ट, कल्चर, राइटिंग, लैंग्वेज, रिलीजन, मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें सोचने का, जिन्हें समझने का, जिसको हमें सोसाइटी में करने का मौका मिलता है। बहुत प्यारा सब्जेक्ट, इसको भी मैं मानता हूँ। लेकिन अब बात आती है कि जो 10th का मैथ्स है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। ये तो 11th की बात थी। 10th का मैथ्स बेसिक मैथ्स होता है। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, या तो आप जॉब करेंगे, कहीं ना कहीं किसी कंपनी में जाके जॉब करना चाहेंगे आप, ठीक है, या आप क्या करेंगे, आप स्पोर्ट में जाएंगे, या बिजनेस करेंगे, या म्यूजिक करेंगे, या सब करेंगे। इन सब में जब जॉब करोगे आप, किसी न किसी कंपनी में आप जाएंगे, वहां आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के साथ साथ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या किसी बड़ी फर्म में जाएंगे, वहां भी आपसे रिटन पेपर या आपसे ऑनलाइन एग्जाम लिया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आप जानते हैं कि क्वेश्चन क्या होते हैं, या तो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं या मैथ्स वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, अब जब लॉजिकल क्वेश्चन या मैथ्स का क्वेश्चन होगा, और अगर आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है, तो समझो कि आपको क्या दिक्कत आने वाली है, आप ही समझ लो। मतलब स्पोर्ट में अगर आप जाएंगे, तो जब स्पोर्ट में जाते हैं भैया, तो वहां भी कोच होते हैं, और वहां कोच आपको ग्राउंड तैयार करना है। ग्राउंड में कितनी लंबाई होनी चाहिए, कितनी चौड़ाई होना चाहिए, उसके आसपास एरिया क्या होना चाहिए, जो आपकी बॉल है उसका क्या डायमीटर होना चाहिए, ये जो बेसिक मैथ्स है 10th तक का हर जगह यूज होता है, यहाँ पे भी यूज होता है। अब हम बात करते हैं बिजनेस। तो बिजनेस आप जानते हो, यहाँ तो क्या प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितने का माल आया है, कितने का हमारा टर्नओवर है, कितने का हम परचेज करते हैं, हमारी परचेजिंग कैपेसिटी है, कितना हम अगर नया कोई अगर हम बिजनेस या नई कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, तो हमारे पास इनिशियल अमाउंट क्या होना चाहिए, कितना हमें कैपिटल की जरूरत होगी। तो इन सारी चीजों में भी हमें मैथ्स की बहुत जरूरत पड़ती है। आर्ट एंड क्राफ्ट, ये भी देखो आजकल, पहले तो एक ऐसी समस्या थी, एक ऐसा था कि आर्ट एंड क्राफ्ट कैसे भी चल जाता था।
आजकल तो इसके भी सॉफ्टवेयर आते हैं, इनमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। अब वो वाला तो बचा नहीं कि आप पेपर पर एक क्राफ्ट बनाए, आजकल तो पेन टेबलेट या कंप्यूटर या टच स्क्रीन पर जो आर्टिस्ट होते हैं वो सारा आर्ट बनाते हैं, उतने को ही इरेज कर देते हैं, उसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ भी जो सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, एरिया की जरूरत पड़ती है, अगर हम 4x6 पे बनाना चाहेंगे या हम पोर्ट्रेट साइज बनाना चाहेंगे या किस साइज का लेना चाहेंगे, यहाँ भी मैस्किविटे जरूरत पड़ती है। और म्यूजिक में हम जाएं तो आपको पता है आजकल जो म्यूजिक है, जितना भी म्यूजिक है, उन सारे में क्या हुआ है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक हो चुका है। मैं एक दिन गया अपने बेटे के लिए केशियो खरीदने के लिए, तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इसको ऐसे प्रेस कर दो तो तबले की आवाज, कौन से तबले का कितनी देर कितना चलना है ये बताता रहेगा। क्या बड़ी मजेदार बातें हैं। तो जो हमारा कहने का मतलब था कि दुनिया के आप किसी फील्ड में जाएंगे, 10th का जो मैथ्स है ना, इससे आप IAS नहीं बनते, इससे आप CA नहीं बनते, इससे आप इंजीनियर नहीं बनते, इससे आप डॉक्टर नहीं बनते। लेकिन पता है ये सारी चीजें बनने की, ये सारी चीजें बनने की मूल जड़ मैथमेटिक्स है। अगर एक सब्जेक्ट आपका कमजोर रहा, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट, वैसे तो सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं लेकिन मैथमेटिक्स में बच्चे डरते हैं, और मैं एक मैथ्स टीचर हूँ, तो मेरे मन में विचार आया कि इस बात में आपको बता, ये सारी मैंने आपको लॉजिकल बातें बताई और इन हर जगह यूज होता है। लेकिन मैथ्स में दिक्कत कहाँ आती है, मैथ्स में दिक्कत ये आती है कि बच्चे डर जाते हैं। क्या डर जाते हैं कि उनके साथ समस्या है कि जब 2+2 किया जाए तो उनको 4 समझ आता है, लेकिन अगर उनको 2x+2x कहा जाए तो उनको समस्या आने लगती है, उनको क्या 2x 2x ये क्या होगा। बेटे जैसे ये 2 था, ये क्या था, ये x जो है ना वो 2 है, ये भी x 2 है, तो कितनी x हो गई, 4x हो गई, यही बात हो गई। मैं अगर ये कहूं कि भैया पेन और एक पेंसिल को ऐड करो या एक कॉपी को ऐड करो, तो आप नहीं ऐड कर पाओगे ना, ये ऐसा ही रहेगा। ऐसे ही बच्चों x+y ही होता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चे बिगनिंग में नहीं सीख पाते और उस डर से मैथ से डरने लगते हैं और वो आजीवन उनको परेशान करता है। एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताता हूँ कि अगर आपने सोचो कि 9th में ही ऐसा दिमाग लगा लिया कि मैथ्स बहुत कठिन है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, अब जब आप बाद में जॉब करने के लिए गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करेंगे या कहीं भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आप क्या सोचेंगे, आपके मन में ये विचार आएगा कि मैंने 9th अच्छे से नहीं पढ़ा था, 10th को तो मैंने यही सोच लिया था कि 11th जैसे ही आएगा मैं मैथ्स छोड़ दूंगा, फिर मैंने 11th भी नहीं पढ़ा, फिर मैंने 12th भी नहीं पढ़ा, फिर मैंने ग्रेजुएशन भी नहीं पढ़ा। तो जरा हिसाब लगाओ, अगर आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 8 ईयर अगर आप मैथमेटिक्स छुओगे ना, तो आपको डर लगेगा। इस डर को अगर भगाना है तो मैथ्स से प्यार करो, और मैथ्स में अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो मैं अभिलाषा क्लासेस से PS कुशवाहा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। जब आपको जरूरत पड़े, अभिलाषा क्लासेस का जो कांटेक्ट नंबर है उस पर आप बिल्कुल बेझिझक फोन कर सकते हैं और अपनी सलाह ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैथ्स जरूर करना है, 10th तक का मैथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके जीवन में बहुत सारे अच्छे बदलाव लाएगा। इसलिए डरे ना, डट कर लड़े। अच्छा मैं एक और बात बताता हूँ। एक दिन मुझे एक बच्ची मिली क्लास 11th की, वो क्या कह रही, मैंने कहा बेटे आपने मैथ्स लिया है, क्यों लिया है, बोले सर मुझे कम आता था इसलिए मैंने लिया है। मतलब मैंने कहा कि बेटे मैंने ज्यादातर बच्चे ऐसे देखे हैं जो ये कहते हैं यार मुझे मैथ्स नहीं आता इसलिए मैंने मैथ्स छोड़ दिया था, लेकिन तुम इकलौती ऐसी बच्ची हो जिसने ये कहा कि मुझे मैथ्स नहीं आता था इसलिए मैंने मैथ्स को स्ट्रांग करने के लिए मैथ्स लिया। विल पावर अगर अच्छी है, काम करने की ताकत अगर आपकी सोच के पीछे, मतलब एक फोर्स लगा हुआ है कि नहीं मैं करके ही रहूंगा, तो मैथमेटिक्स दुनिया के सबसे आसान सब्जेक्ट में से एक। डर कहाँ होता है कि अगर आप मैथ्स लेके IIT करना चाहते हैं, दिक्कत है। अगर आप क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि आप मैथ्स से दूसरे और फील्ड भी हैं। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं ना, तो मैथ्स जरूर अच्छे से पढ़ें। अगर आप कॉमर्स में CA बनना चाहते हैं ना, तो आप बहुत अच्छा मैथ्स करें। ह्यूमैनिटीज लेके IAS बनना चाहते हैं ना, तो आपको और अच्छे से मैथ्स पढ़ना चाहिए। तो 10th का मैथ्स बेसिक है, जरूर पढ़ें। कभी जरूरत हो तो PS सर को कॉन्टेक्ट करें। अभिलाषा क्लासेस में आपका हमेशा स्वागत।